किसान साथियों नमस्कार, मैं पुनीत सिसोदिया। किसान भाइयों, आपने कोई सब्जी वर्गीय फसल लगाई है और उस वो फ्रूटिंग स्टेज पे है, यानी कि उसमें फल बनना स्टार्ट हो गया है, तो अब ऐसे में कौन से फर्टिलाइज़र ऐसे हैं जो हमारे जो फल है या सब्जियां हैं उनके साइज को बढ़ाने में हेल्प करते हैं, तो कौन कौन से फर्टिलाइज़र का उपयोग कर सकते हैं जो हमारे फ्रूट की क्वालिटी को बढ़ाएंगे, फ्रूट के साइज को बढ़ाएंगे, फलों के जो कलर है उसको एनहेंस करेंगे, उसको अच्छा करेंगे, ओवरऑल जो फलों की क्वालिटी है उसको बेहतर करने में हेल्प करेंगे, तो कौन कौन से फर्टिलाइज़र आप उपयोग कर सकते हैं वो इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगा हर फार्मर के लिए। वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर के साथ इसे शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए जानते हैं। देखिए, जब भी हमारी फ्रूटिंग स्टेज शुरू हो जाती है तो उसमें हमें एक तो जो यूज करना चाहिए, जैसे ही फ्रूटिंग स्टेज स्टार्ट होती है तो पहला उपयोग हमें करना चाहिए NPK 0:52 प्लस बोरोन का। तो देखिए, NPK 0:52 में क्या होता है, उसमें 52% फॉस्फोरस होता है, 34% पोटेशियम होता है। तो फॉस्फोरस और पोटेशियम दोनों ही फ्रूट डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा रहता है। देखिए, सबसे ज़्यादा रोल फ्रूट डेवलपमेंट के समय, यदि फ्रूटिंग के समय, फ्रूटिंग स्टेज में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फर्टिलाइज़र होता है वो होता है हमारा पोटेशियम। तो पोटेशियम देने से फ्रूट का जो क्वालिटी है वो अच्छा होता है, फ्रूट का जो कलर है वो इम्प्रूव होता है, फ्रूट का साइज इम्प्रूव होता है, तो जो फ्रूट के लिए सबसे बेस्ट है वो पोटेशियम है। तो इसलिए पोटेशियम का स्प्रे आपको जरूर करना चाहिए। पोटेशियम के लिए आप NPK 0:52 का उपयोग कर सकते हैं या आप उपयोग कर सकते हैं NPK 0:50 का, तो इनमें से कोई भी एक उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि NPK 0:52 भी आप उपयोग करेंगे तो इसमें फास्फोरस भी होता है। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, एक बार NPK 0:52 लें जो हमारे पास है ये, और एक बार आप 0:50 का स्प्रे ले लें, तो दो स्प्रे ले लें या दो या तीन स्प्रे ले लें फ्रूटिंग स्टेज में, तो इससे अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि अगर पोटेशियम और फास्फोरस की उचित मात्रा में पूर्ति होगी तो फ्रूट का जो साइज है वो अच्छा आपको देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ फ्रूटिंग स्टेज में आपको NPK 0:52 के साथ बोरोन भी मिक्स कर लेना है। देखिए, फ्रूट डेवलपमेंट के लिए बोरोन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आपने देखा होगा बहुत सारे फलों में जब उनका डेवलपमेंट हो रहा होता है फ्रूट का, तो उसमें क्या होता है, ब्रस्टिंग आ जाती है, क्रैकिंग आ जाती है, जो फ्रूट है हमारा फट जाता है, तो वो होता है बोरोन की डिफिशियंसी के कारण, बोरोन की कमी के कारण। देखिए, मैं आपको कुछ पिक्चर भी दिखा देता हूँ। तो इस तरीके से फ्रूट में जो ब्रस्टिंग आती है वो बोरोन डिफिशियंसी, यानी कि समझ जाइए बोरोन की कमी है। या दूसरा, ये फटने का एक और कारण होता है कि पानी का मैनेजमेंट सही नहीं होना, क्योंकि हाई टेम्परेचर है, आप या तो पानी को एकदम सुखा देते हैं, सॉइल को सुखा देते हैं, या एकदम नम कर देते हैं, तो ऐसी कंडीशन में भी कि सॉइल ड्राई हो गई उसके बाद आपने पानी दिया तो फ्रूट में ब्रस्टिंग आती है। तो एक तो फ्रूट डेवलपमेंट के समय यानी कि फलों के विकास के समय पानी का जो मैनेजमेंट है वो आपका अच्छा होना चाहिए, पानी अच्छा देना चाहिए, यानी कि कंटिन्यू देना चाहिए और कम मात्रा में देना चाहिए और जल्दी जल्दी देना चाहिए, ये आपको देखना पड़ेगा। उसके साथ साथ जो हमारा बोरोन है उसका स्प्रे ज़रूर लें। देखिए, बोरोन का और भी बेनिफिट है, ये फ्रूट डेवलपमेंट में तो हेल्प करता है, फलों के अच्छे साइज को बढ़ाने में ये हेल्प करता है, उसके साथ साथ ये सीड के साइज को और सीड की क्वालिटी को इम्प्रूव करता है फ्रूट के अंदर। तो इसलिए बोरोन जब आप देते हैं तो ओवरऑल जो फ्रूट का डेवलपमेंट अच्छा होता है, फ्रूट का साइज अच्छा होता है, तो एक स्प्रे आप बोरोन का फ्रूटिंग स्टेज में भी ज़रूर ले लें जब आपका फल बनना स्टार्ट हो जाता है। हालांकि फ्लावरिंग स्टेज में भी इसके अलग महत्व हैं, वो भी मैंने आपको बताए थे, वो वीडियो नहीं देखा है तो आप वो भी देख सकते हैं। तो पहला स्प्रे हम आप NPK 0:52 प्लस बोरोन का आप ले लेंगे। उसके बाद आप चाहे तो एक फिर नेक्स्ट स्प्रे आप 0:50 का ले लेंगे दो या तीन दिन बाद। देखिए, जो NPK 0:52 की या 0:50 की डोज जो रखनी है वो रखनी है 5 ग्राम पर लीटर पानी में मिक्स करना है। उसी तरीके से यदि बोरोन आप ले रहे हैं, देखिए बोरोन ये हमारे पास 20% वाला है, सोलिवोर के नाम से आता है, तो इसमें 20% बोरोन है, तो ये हमें लेना होता है 1 से लेकर 1.5 ग्राम पर लीटर पानी में हमें मिक्स करना है। तो NPK 0:52 के साथ आप इसको मिक्स कर सकते हैं, एक बार अच्छे रिजल्ट मिले जाएंगे। देखिए, यदि आप 0:50 भी नहीं ले रहे हैं तो NPK 0:52 का ही स्प्रे ले सकते हैं दो तीन फ्रूटिंग स्टेज में, एक बार आप बोरोन के साथ मिक्स करके ले लें, बाकी आप सेपरेट ले लें, तो इससे भी अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे, फ्रूट का जो डेवलपमेंट अच्छा होगा, क्योंकि उसमें फास्फोरस पोटेशियम बोरोन की पूर्ति होगी। उसके साथ साथ फ्रूट डेवलपमेंट के लिए जो बेहद ही इंपॉर्टेंट फर्टिलाइज़र है वो है हमारा कैल्शियम नाइट्रेट फर्टिलाइज़र। जी हाँ, कैल्शियम नाइट्रेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
कैल्शियम देखिए बहुत ज़रूरी हो जाता है फ्रूट डेवलपमेंट के लिए। अगर कैल्शियम की कमी हो जाती है हमारे प्लांट के अंदर तो जो सेल वॉल है वो बनना बंद हो जाती है, जिससे आप देखेंगे कैल्शियम की कमी से अब ब्लूसम एंड रॉट आता है, यानी कि जो फलों का अंतिम छोर है वहाँ से वो गलना शुरू हो जाता है, क्योंकि उसका डेवलपमेंट रुक जाता है। वहाँ पर जो सेल कोशिकाओं का विकास है वो रुक जाएगा अगर कैल्शियम की कमी होगी, जिससे वहाँ से रोटिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो अगर हम कैल्शियम पर्याप्त मात्रा में नहीं देते हैं तो भी अगर फ्रूट डेवलपमेंट आपका अच्छा नहीं होगा और फ्रूट में रॉटिंग आएगी, सड़न आएगी, वो अलग। तो अगर आप कैल्शियम देते हैं तो सेल वॉल प्रॉपर बनेंगे, फ्रूट जब सेल वॉल बनेंगे तो फ्रूट का जो डेवलपमेंट है वो आपको अच्छा देखने को मिलेगा, फ्रूट का जो साइज़ है वो आपको बेहतर देखने को मिलेगा। तो फ्रूट डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमारा कैल्शियम है, और उसके साथ साथ फलों में जो गलन आती है वो आपको नहीं देखने को मिलेगी और फलों की जो क्वालिटी है उसको बेहतर करता है। तो एक स्प्रे आपको कैल्शियम नाइट्रेट का भी ज़रूर लेना है। इसके जो डोज आप रख सकते हैं वो रख सकते हैं 5 ग्राम पर लीटर पानी के लिए। कैल्शियम नाइट्रेट में देखिए 18.8% तो इसमें कैल्शियम होता है, नाइट्रोजन की बात करें तो 15.5% इसके अंदर नाइट्रोजन देखने को मिलता है। तो ये दोनों तत्व होते हैं, हालांकि इसमें नाइट्रोजन भी होता है और नाइट्रोजन भी ज़रूरी होता है हर स्टेज में। तो इसमें कम मात्रा में नाइट्रोजन है, उतनी ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन नहीं है। तो इसलिए कैल्शियम नाइट्रेट बहुत ही अच्छा फर्टिलाइजर है फलों के। अगर साइज़ को आप बेहतर करना चाहते हैं, उनका प्रॉपर डेवलपमेंट आप देखना चाहते हैं सब्जियों में, किसी भी सब्जी वर्ग के फसलों में ये स्प्रे ले सकते हैं। किसी भी क्रॉप के अंदर, फलों वाले पौधों के अंदर आप ये स्प्रे ले सकते हैं। इससे जो फलों का साइज है, अगर ये स्प्रे लेते हैं तो साइज अच्छा होगा, बड़ा होगा, क्वालिटी बेहतर होगी। और देखिए 5234 के या इसकी जगह आप 0050 उपयोग कर रहे हैं तो उसके कम से कम 2-3 स्प्रे ज़रूर ले लें आप फ्रूटिंग स्टेज में, तो अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। क्योंकि जो फास्फोरस या हम पोटेशियम की बात करें, पोटेशियम की ज़्यादा मात्रा में रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन जो कैल्शियम नाइट्रेट है और हमारा बोरॉन है, इसके आप एक एक ही स्प्रे लें, उससे ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कैल्शियम और बोरॉन की बहुत कम मात्रा में ज़रूरत होती है। तो ये चीज़ें ध्यान रखेंगे तो जो फलों का डेवलपमेंट है वो अच्छा होगा, फलों का जो साइज़ है वो बेहतर होगा, अच्छी क्वालिटी के फल आपको देखने को मिलेंगे, ना फलों में क्रैकिंग आएगी, ना ब्लूसम एंड रॉट आपको देखने को मिलेगा। इससे आपका जो प्रोडक्शन है वो बहुत अच्छा आपको देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ जो आपको ध्यान रखने वाली बात है वो ये है कि पानी का जो मैनेजमेंट है वो अच्छा होना चाहिए। देखिए यदि आपने वाटरमेलन तरबूज की फसल लगाई है आपने, क्योंकि मेलन की फसल लगाई है, मेलन में तो पानी उतना ज़्यादा नहीं चाहिए, अगर ज़्यादा देते हैं खरबूज के अंदर तो वहाँ पे विल्ट आता है, लेकिन वाटरमेलन में पानी थोड़ा ज़्यादा चाहिए। क्योंकि आप जानते हैं वाटरमेलन में सबसे पहले वाटर ही आता है, तो वाटर ज़्यादा चाहिए वाटरमेलन की क्रॉप को, ज़्यादा इतना नहीं कि आप आधा धुंध दें, इतना कि उसको पूर्ति होती रहे। तो पानी का मैनेजमेंट अच्छा रहेगा तो भी फ्रूट का डेवलपमेंट अच्छा होगा। बाकी ये फर्टिलाइज़र जो मैंने बताया आप इनका स्प्रे ले सकते हैं, तो इससे जो फ्रूट क्वालिटी है वो आपकी इम्प्रूव होगी, फ्रूट का साइज इम्प्रूव होगा, तो आपको बेहतर प्रोडक्शन देखने को मिलेगा। उम्मीद है जो जानकारी है आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर के साथ इसे शेयर करें ताकि उन तक भी जानकारी पहुंच सके। मिलूंगा मैं आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।